Hi guys, a student. I'm Trilochan Mahakut. Take your math class to chapter 1, class 8, chapter 1, integers. So now we are going to study about the chapter 1, integers. So this is chapter ko jaane se pehle hum first jo dusre number ka bare mein janna bahut zaruri hai jo tum previous classes mein padh chuke ho, jaise ki फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, पहले आपको जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स बच्चों वही होता है जिसे को हम काउंट कर सकते हैं, गिनते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं गिनना शुरू करते हैं, काउंट शुरू करते हैं जहां से, उसी को उसी जितना सारे नंबर्स होते हैं उसी नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे कि कहां से हम काउंट करते हैं, और पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, पहले ऑल द All the counting numbers are known as natural numbers। बच्चों इसके अंदर कौन सा नंबर आता है, जैसे काउंट करते हैं जहां से हम एक वन टू थ्री फोर अप टू, ये ऑल लिमिटेड नंबर होते हैं बच्चों। ये सब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर को हम लिमिटेड नहीं बोल सकते, उसी को ऑल मतलब जिसी का ग्रेटेस्ट नंबर हम बोल नहीं सकते, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसी का हम बोल नहीं सकते। सो ये जो सेट है वन टू थ्री फोर अप टू, ये जितने सारे नंबर्स होते हैं उसी नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। देन उसी के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स कौन है, होल नंबर्स कौन सा नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स बोल देता हूँ बच्चों, होल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड हो जाएगा इसमें, और एक एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा जिसे को बोलते हैं जीरो। तो जीरो का साथ जितना सारा काउंटिंग नंबर होते हैं जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर का साथ जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो ये हो जाएगा होल नंबर। तो इसी को हम लिख सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर, और ये जितना जो सेट होता है, ये जो सेट होता है नंबर का, इसी नंबर को सेट को बोलते हैं होल नंबर। तो डेफिनेशन हम इसी को बोल सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। डाउट क्लियर? तो ये इसी नंबर का साथ रिलेशन जुड़ा हुआ है इंटीजर्स के साथ। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसी के बाद आएगा इंटीजर्स। अभी हम जाएंगे पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स उसी नंबर सेट को बोला जाता है जिसी नंबर में ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स एक साथ जो सेट बनेगा, इसी को लेकर जितना नंबर्स होते हैं इसी सेट को लेकर जो नंबर का सेट बनेगा उसी नंबर सेट को बोला जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सेट हम लिख सकते हैं जैसे कि जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू। ये जो सेट है इसी सेट को होल सेट को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है, इसमें जीरो भी होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और इस इधर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इधर जो जो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव साइन होता है, जिसी नंबर में पॉजिटिव साइन होता है उसी नंबर को बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जिस नंबर में जो इंटीजर सेट का जिस नंबर में नेगेटिव का साइन रहता है उसी नंबर जितना सारे नंबर होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। डाउट क्लियर? मतलब आप जरूर जानते हो कि जीरो का कुछ साइन नहीं होता है, पॉजिटिव वो जीरो होता है, नेगेटिव उसका साइन होता ही नहीं है, सो दिस इज जीरो जीरो ही रहता है। सो ये जो टोटल सेट्स होता है, ये नंबर का सेट जो होता है इसी टोटल सेट्स को बच्चों बोलते हैं इंटीजर्स। डाउट क्लियर? यदि बच्चों बार बार बोलता हूं, यदि किसी का भी डाउट रहता है नंबर सिस्टम कौन सा नंबर कुछ भी एनीथिंग यू हैव एनी डाउट देन यू शुड कमेंट मी एंड मैसेज मी एंड यू शुड टेल अबाउट इसी मैटर में मेरे को डाउट है बोल के। तो आई होप कि
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। तो बच्चा अभी हम पढ़ेंगे ये जो इंटीजर्स होते हैं, इस इंटीजर्स को, ये जो इंटीजर्स होते हैं, इस इंटीजर्स को हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं सर एक लाइन खींचते हैं, जो लाइन डबल रबर रहता है, और नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट हम करते हैं, रिप्रेजेंट करने का टाइम जो जीरो, हम थोड़ी देर पहले हम पढ़े कि जीरो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब जितने सारे नंबर होते हैं सभी नंबर को लेके हमारे इंटीजर्स बनता है। वही इंटीजर जो नंबर है उसी इंटीजर्स को हम इधर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है, उनको मार्कर लोकेट करना है, कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर्स कौन किसी प्लेस में रुक सकता है। सो 20 में हमारा जीरो रहता है, जीरो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, जीरो से राइट साइड हम ऑल का पॉजिटिव नंबर प्लेस कर सकते हैं, और जीरो का लेफ्ट साइड जितना सारा नेगेटिव इंटीजर्स को हम प्लेस कर सकते हैं। सो आई कैन राइट दैट प्लस वन, दिस इज प्लस टू, दिस इज प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स एंड सो ऑन। ऐसे हम लिख सकते हैं राइट साइड, जीरो का राइट साइड से हम राइट साइड ऑल द पॉजिटिव नंबर कैन प्लेस लाइक दिस। जीरो का लेफ्ट साइड से जितना सारा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जितना सारा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, सब जीरो का लेफ्ट साइड उसी को हम प्लेस कर सकते हैं, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन, इसका लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर को नंबर लाइन का ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का जीरो का राइट साइड से, राइट साइड में, और जीरो का लेफ्ट साइड में हम जितना सारा नेगेटिव इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? सपोज क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेजेंट माइनस सेवन ऑन द नंबर लाइन। तो हम माइनस सेवन को हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले थोड़े देर पहले हम ड्रॉ किए थे, ऐसा एक ड्रॉ करेंगे, जितना जो हम इधर देखना है कि नेगेटिव जीरो का राइट साइड में रहना है या जीरो का लेफ्ट साइड ये प्लेस करना है, बस पहले वही सोचना है हम। यहाँ माइनस साइन जीरो का लेफ्ट साइड उसी को हम प्लेस कर सकते हैं। सो इधर हम मेरा तो प्लस साइड जाना नहीं है, इसीलिए जीरो को मैं सबसे राइट साइड में प्लेस करता हूँ। देखिए हमको इजी होगा कि माइनस सेवन ज्यादा प्लेस जरूरत नहीं होगा। मैं दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, दिस इज माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, दिस इज माइनस सेवन, वी कैन राइट पॉइंट नेम दिस इज ए, दैट मीन्स दिस इज द ए पॉइंट वेयर देन माइनस सेवन इज प्लेस्ड। तो ये नंबर लाइन ऐसा होता है, टॉपिक आगे हम जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारा अलग तरीके से हम नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो मुझे इंटीजर्स के बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा मैं, जो जितना आगे हायर स्टडी में जो हायर क्लासेस में जॉब जाओगे तो भी ये जरूरत होगा इंटीजर्स के बारे में। जैसे कि इंटीजर्स के बारे में हम बोलते हैं इंटीजर्स का एडिशन, एडिशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। नॉर्मली हम जैसे एडिशन करते हैं वो तो हम मुंह से तो बोल सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं जैसे नॉर्मली बोलते, बट इधर जब इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का एडिशन जो होता है माइनस ए प्लस, इसे साइन को लेके बहुत सारे से कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिस कंफ्यूजन को मैं अभी बताऊंगा, जिसे कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि हम एडिशन ऐड करेंगे, पहले साइन के बारे में पहले एग्जाम्पल लेता हूं,
फिर बच्चों प्लस प्लस साइन कर लिया हूँ पहले, ये जैसे प्लस टू ये प्लस सिक्स लिया हूँ, जहाँ इधर एक ये प्लस टू ये प्लस सिक्स जहाँ इधर आर करते हैं हम, सो पहले हम देखेंगे दो साइन जो लिया है दोनों नंबर में, दो पॉजिटिव साइन है, जो दो पॉजिटिव साइन है जिसे दोनों पॉजिटिव साइन का रिजल्ट होता है बच्चों पॉजिटिव। सो इसका रिजल्ट होगा तो ऐसे दोनों का नंबर हम देख, दोनों नंबर यदि कोई भी दोनों इंटीजर्स का साइन सेम होता है और इधर हमको आर करना बोला जाता है तो इधर पहले क्या होगा साइन का हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इधर दो साइन का दो नंबर का साइन पॉजिटिव है, दो नंबर का साइन पॉजिटिव है, हमको बोला गया है आर करना है और इधर इसीलिए जो रिजल्ट होगा उसी रिजल्ट का पहले प्लस मतलब पॉजिटिव साइन रखा और फिर दोनों नंबर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं जैसे हम ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 6 दिस इज 8 दैट मींस इसका रिजल्ट है प्लस 8, समझे। सो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक में पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, माइनस 8 प्लस पॉजिटिव में हम साइन नहीं देंगे सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, इधर मैं इधर लिख सकता माइनस 8 प्लस 2। तो हम देखेंगे इधर और एक बात बताता हूँ, इधर जो कोई भी दोनों इंटीजर दो इंटीजर का जो हम ऐड करते हैं दोनों नंबर का साइन क्या है हमको मार्क करना पहले, मैं इधर देखा कि दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, जब अभी बताता हूँ कि जब दोनों नंबर का साइन जब अलग अलग होता है तो जब इसका रिजल्ट आएगा देखेंगे कि सबसे जो बड़ा नंबर होता है इन दोनों नंबर में जो है इसमें जो जिस नंबर जो दोनों में जो नंबर बड़ा है उसी का साइन पहले रुकता है। तो मैं देखो इधर 8 और 2 दोनों जो नंबर है इसी दोनों नंबर का बड़ा नंबर कौन है, दिस इज 8 और 8 का साइन क्या है बच्चों हमको मार्क करना है, तो 8 का साइन क्या है दिस इज नेगेटिव, तो बच्चों उसका जब रिजल्ट हो जाएगा उसी रिजल्ट का नंबर से पहले माइनस साइन या प्लेस करेंगे हम, दिस इज माइनस 8 ये 2। और एक सेकंड थिंग क्या है कि दो नंबर का साइन अलग अलग है, दोनों नंबर का साइन जब अलग अलग होता है बड़ा नंबर का साइन इधर रिजल्ट में रहता है और दोनों नंबर का एडिशन होते हुए भी इसी को दोनों का सब्ट्रैक्ट किया जाता है माइनस हम करते हैं उसको, दैट मींस हम देखें 8 और 2 में बड़ा कौन है 8 का साइन क्या है माइनस, दिस इज माइनस साइन, देन दोनों जो नंबर होते हैं ये दो नंबर का अलग अलग साइन है और एडिशन करने के लिए बोला है, फिर जब एडिशन करने के लिए बोलता है दोनों का साइन अलग अलग होता है तब इधर बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज मैं क्या करूंगा इधर 8 से 2 का सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 8 - 2 दिस इज 6 इसका रिजल्ट है -6, समझ गए बच्चे। और एक करता हूं जैसे -7 + 3 दोनों में एडिशन करने के लिए बोला है दोनों का साइन पहले मैं मार्क करूंगा, दोनों का साइन अलग अलग है बड़ा नंबर कौन है 7 है, 7 का साइन क्या है माइनस है माइनस, तो दोनों का नंबर साइन अलग अलग है इसीलिए 7 से 3 का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 7 - 3 दिस इज 4 आंसर इज -4। तो ये है एडिशन एक माइनस और एक प्लस साइन का। सो अभी दोनों का अच्छा अब तक हम दो एक प्लस प्लस दोनों लिए एक माइनस प्लस लिए एक प्लस प्लस एक माइनस प्लस लिए, अभी हम दोनों और एक एग्जांपल लेंगे जैसे माइनस होगा माइनस एक माइनस, तो पहले एग्जांपल लेता हूँ -2 + -6 ये -2 + -6 दो इंटीजर से दो इंटीजर्स का साइन को पहले हमें पता था फिर साइन को देखना है, तो -2 - 6 दो इंटीजर्स का साइन इक्वल है जहां
इक्वल साइन होता है। और मैं बोला था कि जो इंटीजर बड़ा इंटीजर होता है, बड़ा इंटीजर का साइन रहता है, और सिंपली याद रखने के लिए बोल देता हूँ, जहां इक्वल साइन रहता है उसी का रिजल्ट में वही साइन ही रुकेगा। इधर माइनस, इधर भी माइनस है, दो इंटीजर्स का सेम साइन है, जो साइन होगा उसी का रिजल्ट का पहले वही साइन रुकेगा। माइनस माइनस है, रिजल्ट से पहले माइनस ही रुकेगा। तो इधर टू या सिक्स दोनों का साइन इक्वल है, इक्वल होने से नंबर दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं हम। टू प्लस सिक्स इधर हो जाएगा एट, दैट मीन्स रिजल्ट है माइनस एट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, माइनस फोर प्लस माइनस नाइन, माइनस फोर प्लस माइनस नाइन दोनों इंटीजर का साइन इक्वल होता है, दोनों इंटीजर का साइन इक्वल होता है। अभी भी बोला कि जो दोनों नंबर का साइन इक्वल होता है उनका साइन वही वाला साइन ही होता है। दैट मीन्स इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, रिजल्ट में भी माइनस होगा। दोनों का साइन इक्वल है इसीलिए दो इंटीजर को हम ऐड कर देंगे, दैट मीन्स फोर प्लस नाइन कितना 13 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर, रिकॉर्ड आंसर इज माइनस 13 होगा। तो ये है सभी साइन का बारे में और इंटीजर्स का बारे में, सब एडिशन सभी नंबर का बारे में, और सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइन होगा नंबर में और एडिशन। ये था हमारा अब तो इंटीजर्स का एडिशन था। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन का प्रॉपर्टीज, जो इंटीजर्स का एडिशन में जो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और इसका और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। तो ये था हमारा क्लास आज तक। तो थैंक यू।